The question given is, with the usual notations, prove that in a triangle ABC cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2 equals to A square by delta. Delta मतलब क्या होता है? Delta मतलब होता है area. अब अगर हम कोई triangle construct करें, this is our triangle. अब ये A है, ये B है, ये C है. तो ये side कितना होगा? ये होगा A, ये होगा side B and ये side होगा C. हमें पता है कि बाई हेरॉन्स फॉर्मूला एक एरिया इक्वल टू डेल्टा, ये कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन. एस क्या होता है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट इज सेमी पेरीमीटर. अब बाई हाफ एंगल फॉर्मूला, बाई हाफ एंगल्स, हमें क्या पता है? हमें पता है साइन ए बाई टू, ये कितना होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी. साइन बी बाई टू, ये कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बाई ए सी. एंड साइन सी बाई टू होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी by AB. Similarly, cos A by 2 कितना होता? cos A by 2 होता है under root S into S minus A by BC. cos B by 2 is under root S into S minus B by AC. And cos C by 2 is under root S into S minus C by AB. अब हमें क्या value proof करनी है? हमें proof करना है, हमें cot A by 2 plus cot B by 2 प्लस कॉट सी बाई टू इक्वल्स टू एक्स एस स्क्वायर बाई डेल्टा प्रूव करना है. तो पहले कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए बाई टू बाई साइन ऑफ ए बाई टू प्लस कॉस ऑफ बी बाई टू अपॉन साइन ऑफ बी बाई टू प्लस कॉस ऑफ सी बाई टू बाई साइन ऑफ सी बाई टू. अगर ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ S minus B into S minus C by BC plus under root of S into S minus B by AC upon under root S minus A into S minus C by AC plus under root S into S minus C upon AB upon under root S minus A into S minus B upon AB. तो ये terms तो cancel out हो जाएगी, और numerators अगर हम under root S common ले लें तो हमें क्या मिलेगा? अंडर रूट एस तो कॉमन आ गया, सो हमें मिल जाएगा अंडर रूट में एस माइनस ए अपॉन, ये हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी प्लस अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी. अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? अंडर रूट एस इंटू अंडर रूट एस माइनस ए का होल स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है. हमें मिलेगा अंडर रूट में एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एस माइनस सी का होल स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. अगर हम अंडर रूट एस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा अंडर रूट एस इंटू अंडर रूट एस होल अपॉन एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो ये हो जाएगा एस इंटू थ्री एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ये कितना होता है? डेल्टा. तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा. और हमने ये भी लिखा है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट मीन्स टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा एस इंटू थ्री एस माइनस टू एस बाई डेल्टा, दैट इज एस स्क्वेयर बाई डेल्टा. और यही हमें प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूफ्ड, दिस इज आवर सॉल्यूशन.